कैथी के रीमेक में ऋतिक रोशन काम करेंगे या टाइगर श्रॉफ? फिल्म की खास बातें क्या हैं और क्या कैथी का रीमेक पड़ जाएगा सब पर भारी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रिलायंस एंटरटेनमेंट और ड्रीम वॉरियर्स पिक्चर्स ने मिलकर दक्षिण भारत की हिट फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा कर दी है। फिल्म का निर्देशन कैथी बनाने वाले तमिल फिल्मकार लोकेश कनगराज ही करेंगे और इसी के साथ ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। कैथी एक एक्शन जॉनर की फिल्म है जिसमें न गाने हैं न ही हीरोइन, सिर्फ धमाकेदार एक्शन ही इसका प्लस पॉइंट है। गौरतलब है कि बॉलीवुड में पहले भी ऐसी फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिसमें कोई भी लीड एक्ट्रेस नजर नहीं आई। अमिताभ बच्चन की कांटे, अनुपम खेर की अ वेडनेसडे, संजय दत्त की धमाल, अक्षय कुमार की बेबी, सनी देओल की बॉर्डर जैसी कई फिल्में इस लिस्ट में शामिल है और इन सभी फिल्मों में से कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल भी मचाया है। अब अगर बात करें कि इस एक्शन जॉनर की फिल्म में कौन सा एक्टर आएगा नजर, तो दोस्तों इस समय एक्शन हीरो के रूप में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का नाम सबसे ऊपर आता है। दोनों ही एक्शन फिल्मों में जमते हैं। वॉर की रिकॉर्ड तोड़ सफलता इस बात का सबूत भी है। इस फिल्म में ये दोनों हीरो एक साथ नजर आए थे और दोनों ने काफी दमदार एक्शन भी किया। आपको बता दें कि कैथी के रीमेक के लिए ऋतिक रोशन से इस समय बात चल रही है क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है और ऐसे में ऋतिक जैसे सितारे को लेने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका स्टारडम बड़ा है। तो वहीं ऋतिक भी इस फिल्म को करने में काफी रुचि ले रहे हैं, लेकिन डेट्स की समस्या उनको आ सकती है क्योंकि ऋतिक रोशन को लेकर क्रिश 4 भी शुरू होने वाली है और ऐसे में दोनों फिल्मों को साथ करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि यदि ऋतिक रोशन फिल्म करने से मना करते हैं तो टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म में 101% लिया जा सकता है। टाइगर ने अभी तक जितनी भी एक्शन मूवी की हैं, उनकी सभी मूवी सफल रही हैं। तो दोस्तों, आप इस एक्शन जॉनर की फिल्म में किस हीरो को देखना चाहते हैं, ऋतिक रोशन को या टाइगर श्रॉफ को, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।